गौर से देखिए किस कदर घंटों फंसी रही अजीज नगर चौकी के अंतर्गत सीतापुर हाईवे पर एम्बुलेंस। नमस्कार, आपके साथ में हूं मैं शाली वर्मा और आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मड़ियाओं थाने के अंतर्गत अजीज नगर चौकी से सामने आ रही है। चंद कदमों की दूरी पर स्थित हाईवे को जाम के जाम का उपहार देने का कार्य वहां पर सजने वाली अवैध ईटा मंडी कर रही है। आपको बता दें कि इस अवैध प्रकार से सज रही ईट मंडी के कारण आए दिन लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ पूर्व में इस अवैध प्रकार से चल रही ईटा मंडी के कारण कई भीषण सड़क हादसे भी हो चुके हैं और निर्दोष लोगों को इसका खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। पूर्व में खबरों के माध्यम से उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद थाना प्रभारी मड़ियाओं को अतिक्रमण के रूप में सज रही ईट मंडी को हटाने का निर्देश मिला था, जिसके बाद काफी दिनों तक सीतापुर रोड पर यह मंडी सजनी बंद हो गई थी। परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद ही मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है और अवैध प्रकार से ईट मंडी का संचालन चलने लगा है। सूत्रों की माने तो अवैध प्रकार से सजने वाली इस ईट मंडी से मोटा दाम थाना प्रभारी की कार खास तक जाता है, जिसके अवज में मड़ियाओं पुलिस का ध्यान इस ईट मंडी तक नहीं पहुंच पाता है तथा इस मंडी के संचालक रूप से बेखौफ होकर इस खूनी मंडी का संचालन करवाते नजर आते हैं। सूत्रों की माने तो यह खूनी मंडी प्रातः सुबह से ही सज जाती है और देर रात तक इस मंडी का बाजार गर्म रहता है। वह इसकी वजह से प्रत्येक दिन लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। इस अवैध रूप से सज रही मंडी के चंद कदमों की दूरी पर सेवा हॉस्पिटल होने के बावजूद भी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशाबीन हुए हैं। अगर सीतापुर रोड की बख्शी का तालाब का प्रतिवर्ष का दुर्घटना का ग्राफ देखा जाए तो यह दुर्घटना का ग्राफ में सबसे अधिक दुर्घटना स्थल अवैध प्रकार से सज रही ईट मंडी के इर्द गिर्द का बना हुआ है। आखिर कब तक सजती रहेगी मड़ियाओं में अतिक्रमण एवं दुर्घटना को दावत देती ईट मंडी।